अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन बिरयानी मुहर्रम स्पेशल। सबसे पहले हमने जो चीज़ें डालनी हैं, सबसे पहले हमने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल करना है। ऑयल गर्म हो रहा है, अब इसमें हमने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो हमें थोड़ा सा भून लेना जी। व्यूअर्स, ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन तकरीबन 2.5 kg है। इसको हमने अच्छी तरह धो के खुशक कर लिया। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। चिकन हमने इसमें शामिल कर दिया देगची में। अब हम इसको फुल हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जी व्यूअर्स, ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज जो मैंने पहले ही ब्राउन करके रखी हुई थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1/2 kg टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, उनको भी काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये टमाटर प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। हमारे टमाटर और प्याज और हरी मिर्च इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा नमक 2 टेबलस्पून, रेड चिली जाएगी 3 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया जाएगा इसमें पिसा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून, जीरा जाएगा साबुत 1 टेबलस्पून। इसमें जाएंगे अब मसाले, खड़े मसाले हमने डालने हैं। इसमें मोटी इलायची शामिल होगी 2 दस, 8 से 10 लौंग हैं, बादियां फताई के फूल हैं, इनको हमने तोड़ लिया 2 फूल से, और ये साबुत काली मिर्च है, ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाला सारा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, देखें हमारा मसाला तकरीबन तैयार है, इसमें सब कुछ शामिल हो चुका है। अब हम इसमें 8 से 10 आलू बुखारे के पीस शामिल करेंगे, इसको भी मिक्स कर दें। अब हम यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम दही शामिल करेंगे इसमें। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना क्योंकि टमाटर ने और दही ने इतना पानी छोड़ना है, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। और इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और टूटे नहीं। जी तो व्यूअर्स, आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा ये मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। 1/2 टीस्पून के करीब जायफल जिंजरी पाउडर शामिल करेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए इसको
दम पे रखते हैं ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। हम आपसे 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये हमने चावलों के लिए पानी बॉइल करने के लिए रख दिया है। अब जो चीज़ें हमने शामिल करनी है इसमें, वो है दालचीनी के 2 टुकड़े हैं बड़े, 8 से 10 सब्ज इलायची है और 8 से 10 ही लौंग है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और 3 टेबल स्पून नमक है वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको पानी के पकने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसमें शामिल चावल शामिल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल तकरीबन मेरे पास 3 kg हैं सुपर बासमती चावल हैं, इनको हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें शामिल करते हैं और तकरीबन इसको 80% तक कुक कर लेना है हमने। जी व्यूअर्स, चावल इसमें शामिल कर दिए हमने, तब हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और इसको तकरीबन 80% तक आपने इसको पका लेना है। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको उतार लेंगे, स्टेनर में निकाल लेंगे हम इसे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको हमने चावलों वाले देखे में डाल दिए हैं ताकि इसमें हमने चावलों को दम लगाना है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब है जर्दा रंग, तो 2 नींबू काटे हैं मैंने स्लाइसेस में, ये शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हैं साबुत ही, इसमें डालेंगे हम केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। शामिल कर देंगे, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। जब हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं, ये तय वाली बिरयानी बन रही है। अब हम इसमें सारे चावल शामिल कर देंगे और ये तय वाली बिरयानी हम बना रहे हैं। चिकन इसका सारा नीचे है, चावल इसके ऊपर है और ये देगी बिरयानी इसी तरह बनाई जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये हमने अपने चावलों को दम लगा दिया, अब हम इसके ऊपर भी लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे। प्याज मैंने पहले से ब्राउन की हुई थी, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे और जर्दा रंग इसको पानी में शामिल करके इसको ऐसे फैला देंगे इसके ऊपर। जी तब हम इसको दम लगाएंगे, आएंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए, फिर हम मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हमारी बिरयानी को दम लग चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं क्या इसकी शक्ल बनी है, कितनी खूबसूरत है, ये खुशबू बहुत आ रही है। जी तो व्यूअर्स, देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये मुहर्रम स्पेशल बिरयानी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारी बिरयानी तैयार है, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी फिरनी,
इसके लिए हमें चीजें चाहिए, इसके लिए हमें चीजें चाहिए। हम इसके लिए हमें 1.5 लीटर दूध ले लिया है, उसमें से हाफ दूध हमने निकाल लिया है और हाफ दूध को हमने बॉईल कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी, 1 कप चीनी का डाल दिया है हमने। अब इसमें शामिल करेंगे हम 3 इलायचियां हैं, उनके हमने दाने निकाल लिए हैं, ये हम शामिल कर देंगे। इसको हम हल्की आंच पे पका लेंगे। अब बाकी इसमें जो चीज़ें शामिल होनी है वो हम इसमें ऐड करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए फिरनी के लिए वो हमने ये ले लिया है, चावल का आटा तकरीबन 7 टेबलस्पून है, और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमें ड्राई मिल्क ले लिया है। अब हम इसको इस दूध में शामिल करेंगे। पहले इसमें अब कोई लम्स ना रहे इसको इतना मिक्स कर लें, क्योंकि लम्स नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमारे चावल का आटा इस दूध में हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मिल्क, इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। तो लम्स नहीं इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा बनना चाहिए। हमारा दूध बॉईल हो चुका है, चीनी इसमें हल हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया है चावल का आटा और ड्राई मिल्क का, इस दूध में वो अब शामिल करेंगे। साथ साथ इसको चम्मच चलाते रहना है आपने। इसको चम्मच नहीं रोकना आपने, चम्मच इसका चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। जी तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी ये फिरनी रेडी हो चुकी है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसमें क्योड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप इसमें शामिल करेंगे फ्लेम ऑफ करके। तो व्यूअर्स, ये हमारी फिरनी रेडी हो चुकी है, अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी फिरनी तैयार है, ये भी हमारी मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।